वेलकम टू कला क्रिएशंस। आज के वीडियो में हम एडेनियम की ग्राफ्टिंग के अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने एडेनियम के प्लांट पर एक नए कलर की रोजी एडेनियम की ग्राफ्टिंग की थी, वो इस तरह देखिए अपनी तैयार होती है। अगर ये अपनी तैयार नहीं होती और सक्सेस नहीं होती तो ये या तो स्टेम गल जाती या सूख जाती और नीचे से वापस पुराने प्लांट की पत्तियां निकलने लगती और ये पुराना प्लांट अपना तैयार हो जाता। अब हम इसको आज रिपॉट कर रहे हैं, तो रिपॉट करने के लिए इस तरह का कुंडी टाइप का जिसकी डेप्थ कम हो वो वाला हम इसमें एक पॉट ले लेंगे और इसके छेद में सबसे पहले तो हम एक ठीकरी रख लेंगे और ये जो बजरी के कंकर है उसको हम इसमें डाल देंगे ताकि हम इसमें पानी डालेंगे जब पॉट में तो आराम से ड्रेन आउट हो जाए। करीब हम इसमें 1 इंच की लेयर एक बजरी के कंकर की बिछा लेंगे। अब जो सॉइल मिक्सचर लिया है वो हमने एक भाग बजरी ली है रिवर सैंड, एक भाग हमने गार्डन सॉइल और एक भाग ही हमने इसमें कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लेंगे और कुछ टुकड़े मैंने इसमें ईंट के भी मिलाए हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी ये एब्जॉर्ब कर ले। और फंगीसाइड हमने इसमें साफ लिया है, आप इसमें वेबस्टीन भी ले सकते हैं या हम इसमें हल्दी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से हम इसमें आधा पॉट में करीब ऊपर थोड़ा सा छोड़ के हम इसको अच्छे से दबा के भर लेते हैं। और अब हम इसमें ये वाला अपना प्लांट लगाएं। ये प्लांट हम इसलिए रिपॉट कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें अब थोड़ा फूड देंगे तभी अपना प्लांट बड़ा होगा। अब वैसे हम जब रिपॉट करते हैं तो हम इसकी मिट्टी पूरी हटा देते हैं, लेकिन आज मैंने इसको नहीं हटाया है क्योंकि ये प्लांट थोड़ा अपना छोटा है इसलिए। लेकिन हम इसमें फंगीसाइड अच्छे से ही डालेंगे ताकि इसमें रूट रॉट ना हो और अपना प्लांट गले ना। इस तरह आप नए नए कलर्स की एडेनियम पे ग्राफ्टिंग करके आप बहुत कलर्स के प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। बाजार में अपने इतने महंगे प्लांट्स आते हैं, आप कहीं से भी कटिंग लाइए और अपने एडेनियम पे जो पुराना एडेनियम है या अपना बेबी एडेनियम है उस पर हम ग्राफ्ट करके नया कलर तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है जब हम इसमें मिट्टी डालते हैं, अपना तैयार करते हैं, इसमें सॉइल मिक्सचर मिलाकर अच्छे से दबाएंगे ताकि कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हम एक दिन बाद इसमें पानी डालेंगे। अब हमें ध्यान क्या रखना है, देखिए ये जो अपनी ऊपर अपनी ग्राफ्टिंग तैयार हुई है इसको हम ऊपर बढ़ने के लिए नीचे के हम सारे शूट्स काटते जाएंगे ताकि नीचे प्लांट ना बढ़े और जो भी खाना हम इसको दे रहे हैं वो ऊपर जाए। अगर आपको इसमें दूसरा प्लांट के भी फ्लावर्स चाहिए फिर आप बाद में इसको ऊपर बढ़ने दीजिए। अगर एक उसी कलर के चाहिए जिसका आपने इसमें ग्राफ्टिंग की है तो आप इसको ऊपर उसी को बढ़ने दीजिए, नीचे कट करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।